महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह से पहले इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा। इन सभी अटकलों के बीच अजीत पवार का बयान सामने आया है। अजीत पवार का कहना है कि वो आज शपथ नहीं लेंगे। आपको बता दें, गठबंधन के तहत डिप्टी सीएम का पद एनसीपी के खाते में गया है, तो क्या अभी डिप्टी सीएम के पद को लेकर एनसीपी में पशोपेश जारी है? क्या अभी ये बात साफ नहीं हो पाई है कि अजीत पवार को कितना बड़ा ओहदा दिया जाए इस सरकार में? क्योंकि अजीत पवार का भी कहना है कि वो अभी शपथ नहीं लेने जा रहे हैं, अभी शरद पवार से उनकी बातचीत और मुलाकात होनी है, शरद पवार ही आखिरी फैसला लेंगे। तो क्या वाकई पेच फंस गया है? ये देखना दिलचस्प होगा।